देखो ऐसा है, डिस्क्लेमर ये जनहित में जारी, तो कृपया अपने कानों को चरम सुख पहुंचाने के लिए हेडफोन का प्रयोग करें और वीडियो को प्ले करने से पहले आगे पीछे देख ले, सावधान रहे, सतर्क रहे। बाकी हम तो है ही, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, चचा हमारे विधायक है, सीधा उठवा लेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीबी, और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 1 रिलेटेड टू गॉड। अब देखो, किसी भी कहानी को समझने से पहले समझो उस कहानी का हीरो कौन है। तो यार, इस कहानी का हीरो है हमारा लैंगचो। और भाई, ये कैरेक्टर तो गजब ही है भाई, पूरा एकदम सस्ता नशा करके बैठा हुआ है। मतलब तुम समझो, एक बंदा जो कि गॉड को लेटर लिख रहा है भाई। बेटे, अरे बेटे मौज कर दे, मौज कर दे वाह बेटे वाह, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। भगवान जी को लेटर लिखोगे, कौन सा नशा करते हो भाई, थोड़ा फोन करके हमें भी बता दिया करो। खैर, जोक सपाट, करते हैं शुरू कहानी को। तो चारों ही तरफ हरियाली ही हरियाली, और पहाड़ों के ऊपर एक सुंदर सा और छोटा सा घर, जो कि था हमारे लैंचो भाई का। और आसपास के क्या नजारे थे भाई, कहीं नदियां बह रही है, कहीं फूल खिल रहे है, कहीं मक्के की खेती हो रही है। मतलब भाई, एक ऐसे जगह में बैठता था लैंचो जहाँ यार सुकून मिलता था बहुत। और भाई, हमें ऐसा ही सुकून चाहिए अपनी जिंदगी में। सही में यार, लाइफ में कुछ करके ना ऐसी जगह में सेटल होना है अपने को, जहाँ यार हरियाली ही हरियाली हो, अपना छोटा सा एक खेत हो जहाँ हम खेती करेंगे और अपना छोटा सा फैमिली के साथ रहेंगे, जैसे हमारा लैंचो भाई रहता था। अब देखो, हमारा लैंचो भाई का ना बहुत ही छोटा सा फैमिली था, एक पत्नी और दो बच्चे बस। जिंदगी यार बहुत सही कट रहा था हमारे लैंचो भाई का। बट एक मिनट रुको यार, वो लाइफ ही क्या जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो। जीने का मजा तभी है जब तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स हो। तो यार, अब आएगा हमारे लैंचो भाई के लाइफ में भी प्रॉब्लम। देखो कैसे। तो यार, हमारा लैंचो भाई ना एक दिन बारिया से अपने मक्के की खेती को तार रहा था और सोच रहा था बस इस साल बारिश सही से हो जाए, जिससे कि यार इस साल का फसल बढ़िया हो, और यार उसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा। बस इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था लैंचो भाई, इसी बीच उसके पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो, खाना तैयार है, आके खा लो। और उसके बाद यार लैंचो और उसके बच्चे चले गए खाना खाने। अब अचानक से क्या होता है, बारिश शुरू हो जाता है, और जैसे ही बच्चे बारिश का आवाज सुनते हैं, घर से दौड़ के बाहर निकलते हैं और बारिश का मजा लेने लगते हैं। यार सही बताओ तो मुझे भी काफी बढ़िया लगता है बारिश में भीगना, बट उसके बाद जो बीमार पड़ता है वो अलग है भाई। मम्मी कूटती है मानता हूँ मैं, पता नहीं क्यों यार बारिश में भीगने के साथ साथ ही सर्दी लग जाती है मुझे। क्यों भाई क्यों, ऐसा क्यों होता है, भगवान जी थोड़ा इंजॉय करने दिया करो हमें। नहीं भाई, मैं भी सोच रहा हूँ एक लेटर लिख ही दूँ कोर्ट को कि भाई हमारा भी कोई फंडामेंटल राइट है कि नहीं है भाई, मतलब हम थोड़ा सा बारिश में भीज क्या ले और बीमारी पड़ जाते हैं। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब खैर कोई बात नहीं, हम लैंचो भाई की कहानी पे रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते। अब देखो, प्रॉब्लम ये था कि सिर्फ बारिश नहीं हो रहा था बाहर, बारिश के साथ आ रहे थे बर्फ के टुकड़े। सिंपली तुम कह सकते हो ओले गिर रहे थे बाहर, और अंग्रेजी में यार फ्रोजन पर्ल्स, यानी कि मोतियों की तरह गिरते हुए बर्फ के टुकड़े। बच्चे बहुत खुश थे, बट एक बंदा था जो कि बहुत दुखी था इससे, बहुत दुखी भाई। कौन, गैस करो। सही गैस किए, हमारा लैंचो भाई बहुत दुखी था बंदा। क्यों? क्योंकि यार जो उसने सपने देखे थे, इस बार तो मक्के की खेती बहुत बढ़िया होने वाला है, सब यार खत्म हो चुका था। ओले गिरने के कारण पूरा खेती बर्बाद, इस हद तक बर्बाद कर दिया था ओलों ने कि बेचारा लैंचो सोच रहा था इससे तो अच्छा होता कि लोकस, जो कि एक तरह का कीड़ा होता है, वही आके खेत को बर्बाद कर देता, एटलीस्ट उसे कुछ तो बच जाता यार। अब पूरा फैमिली पूरा दुखी था, हेल्पलेस फील कर रहा था, और डर था कि अब भूखे ना मरे बस हम। उनके लिए बस एक होप था कोई, तो वो था गॉड, भगवान जी, कि यार भगवान जी ही कुछ कर सकते हैं। तो यार हमारा लैंचो भाई ने सोचा, देखो सब तो बर्बाद हो ही चुका है, अब कोई हमें बचा सकता है तो है गॉड। तो यार उन्होंने एक लेटर लिखा गॉड को, जिसमें उन्होंने कहा, देखिए भगवान जी, कुछ ऐसा है, ओले गिरने के कारण मेरा खेती हो चुका है बर्बाद, अब यार मैं और मेरे फैमिली के लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं है, अब शायद हम भूखे ही मरेंगे, अब मुझे एक छोटा सा हेल्प कर दो। क्या करो, आप मुझे 100 पैसों दे दो। अब पैसों यार, पैसा, ठीक है, हमारे यहाँ पैसा कहते हैं, लैटिन अमेरिका में उसे पैसों कहते हैं, सही है पैसों। तो यार लैंचो भाई ने गॉड से मांगा 100 पैसों, ताकि जो भी नुकसान हुआ है हमें फार्मिंग में उसे यार रिकवर कर ले, और यार फैमिली को कुछ खिला पाए, यार भूखा ना मरे फैमिली। अभी ये सारी चीजें लिख के लैंचो गया पोस्ट ऑफिस और लेटर को कर दिया पोस्ट, और आ गया घर। अब जब लेटर पहुंचा पोस्ट मास्टर के हाथ में, तो पोस्ट मास्टर ने उसे खोल के देखा, और जो रिएक्शन आया ना पहला,
पोस्टमास्टर का, ये क्या बकचोदी है भाई? मतलब भगवान को लेटर लिख रहे हो, एड्रेस भी लिखा है लेटर टू गॉड, मतलब ऐसा कोई एड्रेस होता है क्या? घने बकचोद हो तुम तो भाई। बट यार पूरा लेटर पढ़ने के बाद ना पोस्टमास्टर का दिल भी पिघल गया यार, जब सुना यार खाने को कुछ नहीं है, भूखा है, दुख लगा यार पोस्टमास्टर को, सही बताओ तो दुख लगा। तो अब पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया, चलो यार इसका हेल्प करते हैं, देखो भगवान जैसा तो कुछ चीज होता नहीं है, होते है तो बस हम ही होते, हम ही है भगवान। मानते हो कि नहीं मानते हो तुम लोग? नहीं। तो यार पोस्टमास्टर ने जितने भी अपने दोस्त लोग थे पोस्ट ऑफिस में, उन्हें कहा यार तुम सब आके हेल्प करो, मैं भी थोड़ा हेल्प करता हूँ, और यार इसे 100 पेसोस मैनेज कर देते हैं ताकि यार ये भूखा ना मरे और अपने जो खेती बाड़ी है वो सही से कर पाए। तो सबने जितना सका दिया, बट सैडली 100 पेसो तो नहीं हुआ, बट 70 पेसो हो गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लेंचो आता है पोस्ट ऑफिस और पूछता है, क्या भगवान की तरफ से मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या? देख रहे हो भाई का मतलब एटीट्यूड देख रहे हो तुम, मतलब एक तो तुम बकचोदी करके पहले भगवान को लेटर लिखते हो, अब तुम ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि भगवान तुम्हें रिप्लाई देगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, नहीं ये मतलब प्रभु आपका चरण छूना चाहता हूँ मैं, बस चरण छूना चाहता हूँ, अब भगवान हो आप ही भगवान हो सही में। तो पोस्टमास्टर ने भी कहा जी आया है आपका लेटर, लीजिए। बंदे ने लेटर खोला और खोलने के साथ साथ ना वो बहुत गुस्सा हो गया यार। क्यों गुस्सा हो गया? उसने देखा कि यहाँ 100 पैसो नहीं है, 70 पैसो है। अब यार 30 पैसे का घपला किसने मार दिया? बहुत गुस्सा था वो, सही में बता रहा हूँ बहुत गुस्सा था। तो उसने डिसाइड किया कि मुझे और एक लेटर लिखना है कि भगवान जी ने ऐसा कैसे किया, मतलब मैंने मांगा था 100 पैसो और ये आया है 70 पैसो, ऐसे कैसे? तो इस बार लेटर में लेंचो भाई ने लिखा, देखो भगवान जी मैंने मांगा था आपसे 100 पैसो, शायद आपसे कोई गलती हो गया होगा, आपने दिया है मुझे 70 पैसो, तो आप मुझे बाकी जितने भी पैसे है उसे भी दे दीजिए। और यार एक काम कीजिएगा, इस बार मुझे मेल के द्वारा मत भेजिए, क्योंकि यार मुझे लगता है ना ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं बहुत ही चूतिए हैं, ये मेरा पैसा खा जाएंगे, तो आप मुझे कोई और तरीके से भेजिएगा। आप समझे बेटा, हमारा लेंचो भाई तो निकला बेंचो, मतलब जिसे यार हम हीरो समझे थे वो तो यार बहुत ही एहसान फरामोश और लालची निकला। हमारे अच्छे वाले पोस्ट मास्टर ने मदद किया और यार उसे चूतिया बोल दिया, यार गलत था भाई, बहुत गलत था। तो यही था बस ये कहानी। अब तुम लोगों के लिए मैं एक छोटा सा मॉरल ऑफ द स्टोरी छोड़ रहा हूँ इस चैप्टर का, अगर समझ सको तो बहुत अच्छा और उसे अप्लाई कर सको तो उससे भी अच्छा। असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमारे भरोसे बैठा।